जाते हैं वो जाके बर्तन धोते हैं और तो किसी ने उठना ही नहीं है, किसी को तकलीफ नहीं। गाइस आज तो ज़्यादा बर्तन भी नहीं है बट फिर भी कोई नहीं धो रहा। मैं आपको दिखाती हूँ, तो हैं भी थोड़े से। गाइस ये जल गए हैं, गाइस ये जल गया। मुझे डील बनानी पड़ेगी अपनी बहन के साथ। ये भी जल गया, ये भी जल गया, आई थिंक ये भी जल गया। एक तो गाइस इतनी निकम्मी औलाद पैदा कर दिया है मेरी मम्मी ने मुझे। अब मेरे डैडी भी आ चुके हैं, वो मेरे हाथ में कैमरा देखना डालना शुरू कर देंगे। तो गाइस दुआ मांगो, दुआ। पूरे 30 के 30 दिन जो है ना वो व्लॉग बनाऊंगी, मगर मेरे से एक दिन भी नहीं बन सका। ट्राई करूंगी इसमें से 1 by 1। ये सुबह शाम लग के अपनी औलाद के कपड़े सी रही हैं, अपनी शादीशुदा औलाद के। हैं बैक टू किचन। जहाँ मेरा बिल्कुल भी नहीं करता व्लॉगिंग करने को, और मैं वैसे भी सोच रही हूँ कि मैं चैनल जो है ना वो सेल कर दूँ। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एमी खान ऑफिशियल्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि रमज़ान जो है वो स्टार्ट हो चुका है। आज जो है वो 13 रमज़ान था, यानी कि आज 13वां रोज़ा था। और मैंने बहुत कोशिश की थी, इनफैक्ट मैंने बोला भी था कि मैं पूरे 30 के 30 दिन जो है ना वो व्लॉग बनाऊंगी, मगर मेरे से एक दिन भी नहीं बन सका। ये आज मैं व्लॉग बना रही हूँ, ये भी आपको पता नहीं कब मिलेगा। अल्लाह करे टाइम पे मिल जाए, आमीन आमीन आमीन। क्योंकि मेरी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि पेंडिंग है। मतलब व्लॉग मैंने काफ़ी शूट तो किए हुए हैं मगर पेंडिंग है, मैं अपलोड ही नहीं कर पा रही। खैर ये वाला जो है ये अलग अलग टाइमली मैं कर दूँ अपलोड। हाँ इसकी सुन ले इसकी सुन ले। जब मेरे दोस्त को वॉइस कर रही थी, मुझे नहीं पता था वीडियो बना रही हैं आप। गाइस इन लोगों को पता भी है कि इन लोगों के घर में एक अदद व्लॉगर जो है ना वो रहता है, उसके बावजूद भी ये इस किस्म की बातें कर रहे होते हैं। ओह व्लॉग बना रही थी, ओह माय गॉड हमें पता ही नहीं था व्लॉग बना रही हो तुम। गलती हो जाती है जी व्लॉग। खैर गाइस अभी होने वाली है यहाँ पे अफ्तारी का टाइम, तो जाते हैं किचन में और देखते हैं कि क्या क्या करना है। वैसे तो अफ्तारी फुल टाइम जो है ना वो मेरी बहन बनाती है, जो मेरे से छोटी वाली है। तो खैर जाते हैं, जाके देखते हैं कि मेरे हिस्से के आज कौन कौन से काम है। सो मैं जाती हूँ और जाके वही करती हूँ। मशीन की आवाज़ है। तो गाइस मैं आई हूँ किचन में और इस वक्त हम लोग के घर में बन रहा है मटर पुलाव। और मैंने आज मास्क चेंज किया है, यानी कि मैं हमेशा ब्लैक यूज़ करती थी, आज मैंने थोड़ा चेंज किया तो सही लग रहा होगा। खैर मैं आज बना रही हूँ मटर पुलाव, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये तो मैं इसमें ऐड करूँगी प्याज। गाइस जो ऑयल था ना वो शदीद गर्म हो गया था। खैर ऐड कर दिया मैंने उसके अंदर प्याज ये, और यहाँ पे ना वो पापड़ टाइप नहीं होते जो दही बल्लों में ऐड करते हैं, वो फ्राई हो रहे हैं। अब मैं ऐड करूँगी टमाटर इसके अंदर ठंडे हैं। ओके तो गाइस ये मैंने डिश आउट कर ली है। अब मैं फ्राई करूँगी इसमें से 1 by 1। अब मैंने फ्राई कर दिया 1 2। मेरा ख्याल है मुझे इसके अंदर ना मटर ऐड कर देने चाहिए, तो मैं ना मटर ऐड कर दी हूँ। नमक भी ऐड कर देती हूँ, थोड़ा सा हाथ ही यूज़ कर देती हूँ। इट्स ओके। गाइस मैं आपको दिखाती हूँ मेरी मम्मी क्या कर रही हैं। मेरी मम्मी इस वक्त ये सुबह शाम लग के अपनी औलाद के कपड़े सी रही हैं, अपनी शादीशुदा औलाद के। खैर मैंने आपको एक और चीज़ दिखानी थी, वेट मैं आपको दिखाती हूँ। ये गाइस इसे मैंने सेट कर लिया था, और इसके ना लाइटिंग जब ऑन होगी ना मैं आपको तब भी दिखाऊंगी। गाइस मैंने ये भी सेट कर लिया था बट मैंने इसकी भी वीडियो नहीं बनाई, पता नहीं मैं करती क्या रहती हूँ, मैं वीडियोज़ ही नहीं बनाती। अब ये जो मैं आज बना रही हूँ ना, आज है, आज कौन सा रोज़ा है, आज कौन सा रोज़ा है गाइस कोई बताएगा? आज 13th रोज़ा है, ठीक है। और मैंने सोचा था मैं ना कोशिश करूँगी कि मैं रमज़ान में डेली ब्लॉगिंग करूँ, बट मैं कर ही नहीं पा रही। देख लें 13 हो गई है। अब अल्लाह करे ये वाला जो लोग है वो आप लोगों के पास टाइमली पहुँच जाए। ये हो रहे हैं समोसे फ्राई, बिल्कुल हल्की आंच पे समोसे फ्राई हो रहे हैं। वैसे हमारे घर गैस नहीं आ रही तो उसके लिए कंप्रेसर, बाकी सामने गैस का मसला नहीं खत्म हो सकता। गाइस मेरी बहन दही बल्लों में दही मिक्स करने लगी थी, ठीक है। और इसे पता भी है बहन वीडियो बना रही है, मगर नहीं, इसने मिक्स कर दी। वीडियो नहीं बनानी थी मुझे, वापस निकाल रही हूँ। बंदा ऊंचा बोल भी नहीं सकता। या ओ एक मिनट मैंने मैं समोसे निकालू, जड़ने वाले हैं। हाँ अब ये दोबारा गुड 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 करो मिक्स, बदतमीज औरत। गाइस ये जलने वाली है, मैं ना अभी नहीं टी शर्ट बल्कि जलने ये वाले हैं, जल गए हैं। मैं नहीं टी शर्ट करती हूँ। गाइस ये जल गए हैं, गाइस ये जल गए हैं। मुझे डील बनानी पड़ेगी अपनी बहन के साथ। ये भी जल गया, ये भी जल गया, आई थिंक ये भी जल गया। नहीं ये ठीक है। ए दीदी बात सुनो ज़रा, ये भी जल गया, ये भी जल गया। ये तुम खा लेना, ये मैं खा लूंगी। इसीलिए मेहनत करते होंगे, मैं चलो ये चीज़ें खाऊंगी। मेरी बहन गाइस सारी अफतारी यही बनती है मेहनत कर करके। अब जल गया, खा लेना। हमें डांट पड़ेगी बहन को कि वीडियो बनाने के चक्कर में इसने सब कुछ जला के रख दिया है। गाइस ये इसने मिक्स कर लिया और अब मेरे डैडी भी आ चुके हैं। वो मेरे हाथ में कैमरा देखना अब डालना शुरू कर देंगे। तो मैं आपको मिलती हूँ रोज़ा खोलने के बाद। ये इसने मिक्स कर लिया दही वाले, ले जाओ ले जाओ। ओके तो गाइज़ अल्हम्दुलिल्लाह जो रोज़ा है वो इफ्तार हो चुका है। अब हम नमाज़ पढ़ेंगे और उसके बाद आपको मिलते हैं बैक टू किचन, जहाँ हम लोग अपना मटर पुलाव बना रहे थे। गाइज़ मेरी नमाज़ हो गई है डन। अब मैं आ गई हूँ दोबारा से किचन में, ताकि ये जो है ये इसमें से शोर 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 की आवाज़ें आ रही हैं। अब मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी। मेरे पास पानी ऐड करती हूँ इसमें डालेगा मतलब। जब ये बॉईल होगा तब मैं इसमें ऐड करूँगी राइस। ये मैंने भिगो के रखे हैं। गाइस आज तो ज़्यादा बर्तन भी नहीं है, बट फिर भी कोई नहीं धो रहा। मैं आपको दिखाती हूँ, तो हैं भी थोड़े से, अच्छा बात नहीं है। ये है कुछ इसके अंदर भी है, ये कोई धो ही नहीं रहा बर्तन। खैर ओके तो गाइस मैंने ना राइस ऐड कर दिए हैं। ये अब मैं चेक करूँगी इसमें जो नमक है वो ठीक है कि नहीं है। फिर मैं अब ना ये डन करके मिलती हूँ मैं आपसे। गाइस मुझे लगता है कि मुझे ना अब दम दे देना चाहिए। गाइस मैंने इसके अंदर ना फूड कलर ऐड कर दिया थोड़ा थोड़ा। अब मैं इसे दूंगी फाइनली दम पे। ओके तो गाइस मैंने ना अपना सैलड भी कट कर लिया है। एक तो गाइस इतनी निकम्मी औलाद पैदा कर दी है मेरी मम्मी ने, मुझे लगा शायद पापा आ गया। ये लोग चाहते तो बर्तन धो सकते थे, मगर नहीं 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 नहीं, किसी को हया नहीं आई। आ जाओ अब सामने आ जाओ, तुम आ जाओ। अब मैं तुम्हें कैसे कट करूँगी? पूरे फ्रेम में आ गया गाइस। कैसे मेरी वीडियो खराब करते क्या? मैं इसे कैसे निकालूंगी? सामने बैठी हुई थी तुम। चलो अब अंदर कौन है? अब अंदर सारे हैं, मैं अब अंदर भी नहीं जा सकती। तो गाइस मुझे लग रहा है कि ना ये पांडे शांडे जो है ना ये सारे मुझे धोने पड़ने। ओके ओके गाइस, तो अब हम खुद ही जाते हैं और जो आगे बर्तन धोते हैं वो तो किसी ने उठना ही नहीं है, किसी को तकलीफ नहीं। मैं कह रही हूँ तकलीफ या शर्म किसी को भी नहीं आनी, ना हयान या ना शर्म आनी इन लोगों को। गाइस वैसे जो बात है टैलेंटेड है आप लोगों की बहन, क्या बना दिया मैंने। थैंक यू वेरी मच। फिर मैंने खुद ही धो दिए। रेस्टोरेंट किसी भी काम का नहीं है। ओके बाय, आई एम फ्री नाउ। ओके तो गाइस ये रहा मेरा खाना। ओके गाइस तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों की जो अफ्तारी है वो भी हो गई है और जो खाना वगैरह था वो भी हम लोगों ने खा लिया। मैंने ब्लॉग की एंडिंग नहीं ली थी तो मैंने सोचा चलो स्टार्ट भी ले लिया तो मैं एंडिंग भी ले लेती हूँ। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आए तो इसे काइंडली लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और काइंडली मुझे कमेंट्स में मोटिवेट ज़रूर किया करें कि ना ब्लॉग बनाओ, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं करता ब्लॉगिंग करने को। और मैं वैसे भी सोच रही हूँ कि मैं चैनल जो है ना वो सेल कर दूँ, बट मुझे बहुत से लोग हैं वाईटी के फ्रेंड्स जो हैं वो मुझसे कह रहे हैं कि नहीं सेल ना करो, इतना टाइम लगाया तुमने इस चैनल पे तो खुद ही वर्किंग करो। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं खुद ही वर्किंग करूँ, जो कि मुझे पता है पॉसिबल नहीं है, मैं नहीं कर पाऊँगी। तो देखें क्या होता है। खैर गाइज़ आज मैंने बहुत टाइम बाद व्लॉग जो है ना वो बनाया और शायद मैं अपलोड भी कर रही हूँ, तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।